हेलो दोस्तों, एविल निगमा में आपका फिर से स्वागत है। आप सब सुशांत सिंह राजपूत के निधन से वाकिफ तो जरूर होंगे। आजकल वायरल हो रही वीडियोस जिसमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने दावा किया कि उन्होंने सुशांत की आत्मा से बातें की है, आखिर क्या राज है उन वीडियोस का? हम इस किस्से पर पूरी डिटेल्ड केस स्टडी एनालिसिस बताएंगे जो आपने पूरे इंटरनेट पर नहीं देखी होगी, और आपको अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें, जिसमें हम सारी बातें लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग के साथ कवर करेंगे। जैसे क्या सच में सुशांत की आत्मा ने बात की थी? अगर की थी तो इंग्लिश में ही क्यों? स्टीव हफ कौन है? ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है? क्या ये वीडियोस फेक हैं या रियल? और भी कई सवाल का इधर खुलासा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मानकर चलते हैं कि सुशांत की आत्मा ने बात की थी, तो पहले इन वीडियोस में हुई इम्पोर्टेंट बातों को हिंदी में एनालिसिस करके इनका निष्कर्ष निकालते हैं। इनकी वीडियोस में जो ऑडियो निकल कर आया है वो क्लियर नहीं है, जिसके लिए उन्होंने सबटाइटल्स भी डाले हैं। दोस्तों अगर हम अनक्लियर आवाजें सुने और सबटाइटल्स भी अगर हम साथ साथ पढ़ें, तो हम उस ऑडियो पर शक नहीं करते और विश्वास कर लेते हैं। जैसे ये, इसमें हमने समझा सब्सक्राइब टू द चैनल, लेकिन असली ऑडियो था सनराइज टू द चैंपियन। तो ऐसे ही स्टीव ने जब ऑडियो सुना तो अपना पर्सनल ओपिनियन सबटाइटल के रूप में लिख दिया। अब जानते हैं आखिर क्या बात हुई, और फिर हम आपको बताएंगे उसके पीछे का लॉजिक। पहला सवाल था, क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे मरे थे? जिसका जवाब आया, इसका मतलब हुआ ये मेडिकल स्टाफ का काम है, इसमें दे विल लीव इट ऑल क्लियर था, लेकिन टू द मेडिक अनक्लियर था। दूसरा सवाल था, क्या तुम्हें मौत के बाद अपनी सही दिशा मिल गई या शांति मिल गई? जिसका जवाब आया, इसका मतलब मैं सफर करता हूँ, और ऑडियो क्लियर था। अगला सवाल, क्या हम सुशांत से बात कर सकते हैं? इसका मतलब मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और ऑडियो क्लियर था। तुम इस आवाज के जरिए क्या कहना चाहोगे? इसका मतलब हफ्स इधर एक रोशनी है, और ऑडियो क्लियर था। तुम उस दूसरे संसार में कहां पर हो? मतलब वो तुम्हें देख रहे हैं। मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, और ऑडियो भी क्लियर था। तुम्हारे कई फैंस चाहते थे कि मैं तुमसे बात करूं। इसका मतलब क्या आप जानते हैं कि मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ, और ऑडियो क्लियर था। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद। मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और रेस्ट इन हेवन बस क्लियर था। थैंक यू बात करने के लिए। मतलब अब हम जाने के लिए तैयार हैं, और ऑडियो क्लियर था। दूसरे सेशन का पहला सवाल था, क्या तुमने अपनी जान खुद ली थी? मतलब आखिर हम इंसान ही हैं, और ऑडियो क्लियर था। तुमने अपनी जान क्यों ली? मतलब बदलाव, और ऑडियो क्लियर था। तुम्हारी मौत की रात को क्या हुआ था? मतलब कई पुरुष के साथ झगड़े हुए थे, और ऑडियो क्लियर था। तुमने कहा कि कोई लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, मतलब वो अब खत्म हो गया, और ऑडियो क्लियर था। क्या तुम और कुछ कहना चाहोगे? मतलब मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम, और ऑडियो क्लियर था। अब थर्ड सेशन के सवाल, क्या तुम्हें याद है तुम कैसे मरे थे? मतलब वो किले लाए थे, लेकिन ऑडियो क्लियर नहीं था। ऑडियंस का मानना है कि वो नील्स नहीं थे बल्कि न्यूज था। क्या तुम उधर अपने किसी जानने वाले से मिले हो? मतलब हमें ये बंद कर देना चाहिए जो बातें चल रही हैं, और ऑडियो क्लियर था। क्या तुम्हारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है? मतलब मैं सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता था, और ऑडियो क्लियर था। वो जगह कैसी है जहां तुम हो? मतलब मेरी माँ यहाँ है, और ऑडियो क्लियर था। और अब आखिर में थैंक यू।
ये ऑडियो पूरा अनक्लियर था और व्यूअर्स के अनुसार ये कहा है हैंग देम, यानी उनको फांसी दो। दोस्तों इन सेशंस को देखने से तो सब रियल ही लगता है, पर अगर जरा लॉजिक लगाकर सोचा जाए तो इन वीडियोस पर शक होता है। जैसे फर्स्ट सेशन में स्टीव ने वही सवाल पूछे जो जनरल थे, सेकंड सेशन में वो मुद्दे पर आए जिसमें आत्मा ने कहा था बदलाव की वजह से जान ली और एक रात पहले झगड़े भी हुए थे। थर्ड सेशन में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे लेकिन सीधे जवाब नहीं मिले। अब शक की सुई स्टीव हफ पर ही आती है क्योंकि उन्होंने खुद वीडियो में कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं जानते थे। उनके चैनल सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर ही उन्होंने ये वीडियो बनाया। पहले सेशन में स्टीव ने कहा कि सुशांत की आत्मा के साथ कोई जेंटलमैन है। वो कौन है? सबटाइटल आवाज में आया माय फादर, लेकिन सुशांत के पिता जिंदा हैं, तो फादर का जवाब कैसे मिला? क्या ये संभव है कि अगर ये वीडियोस फेक हैं और स्टीव को सुशांत के बारे में कम जानकारी होने के कारण उन्होंने ऐसा लिखा, और फिर वही थर्ड सेशन में इसी को सुधारने के लिए उन्होंने माय मदर कर दिया। स्टीव ने वीडियो में कहा था कि स्पिरिट अपनी मौत पर डिटेल्स में बात करना पसंद नहीं करती और कहा था कि उनके ITC एक्सपीरियंस में सुशांत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस नहीं की। ITC मतलब इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन, जिस डिवाइस के जरिए आत्मा से बात होती है। अब सवाल ये भी आता है कि अगर सुशांत की आत्मा से संपर्क हो गया था तो स्टीव ने सिंपल यस नो वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछे? दोस्तों आत्माओं से संपर्क करने का सबसे फेमस और सिंपल डिवाइस है ओइजा बोर्ड, जिससे यस नो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर इनके डिवाइस में इनकमिंग ऑडियो क्लियर नहीं है तो सिंपल यस नो क्वेश्चंस पूछकर इनका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। एक रीजन हो सकता है कि ये ऑडियो फेक है और यस नो सवाल पूछने पर स्टीव की सच्चाई का पता चल सकता था। अगर पूछा जाए कि ये सुसाइड था या मर्डर, इसका जवाब मिल सकता था, लेकिन ये अभी तक राज ही है, तो स्टीव कैसे खुद बता सकते हैं? इसलिए उन्होंने ये सवाल नहीं पूछे क्योंकि इनका जवाब किसी को भी नहीं पता। अगला सवाल, क्या ये सच में सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा थी? दोस्तों स्टीव के अनुसार जो ये काम करते हैं उन्हें इस पर पूरा विश्वास है। उन्होंने सुशांत से बात करने की रिक्वेस्ट की और पॉजिटिव जवाब मिला, इसका मतलब दूसरी साइड से संपर्क हो गया था, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं हो सकता कि वो सुशांत की ही आत्मा थी। साइंस के पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं कि वो आत्मा की पहचान बता दे। उन सेशंस में कोई नई जानकारी भी नहीं मिली जो कंफर्म करा दे कि ये सुशांत की ही आत्मा थी। स्टीव के कई वीडियोस और हैं फेमस सेलिब्रिटीज के साथ, जैसे रैपर जूस वर्ल्ड, बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट, एक्टर रॉबिन विलियम्स और तो और माइकल जैक्सन भी। हर कोई सेलिब्रिटी के ITC से इनको पॉजिटिव आंसर ही मिले, जैसे मैं खुश हूँ, मैं भगवान के साथ हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ। हर धर्म में सुसाइड को बुरा माना जाता है और कहते हैं कि उनकी आत्माओं को मुक्ति आसानी से नहीं मिलती और भटकती रहती है। तो अब सुशांत या रॉबिन विलियम्स की आत्मा खुश क्यों है? क्या स्टीव को डर है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स वीडियोस में डालने से फैन बेस नाराज हो जाएगा? माइकल जैक्सन की 2009 में हुई मौत पर वो 2019 में उनसे क्यों संपर्क कर रहे हैं? क्या वो जिस मर्जी से संपर्क कर सकते हैं, चाहे उसे मरे बहुत समय हो गया हो? किसी व्यूअर का कमेंट भी आया कि गांधी जी के साथ सेशन कीजिए। स्टीव के जूस वर्ल्ड ITC वीडियो के बाद उनके व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए, जिसको देखकर उन्होंने और सेलिब्रिटीज के साथ वीडियोस डाले। सुशांत के वीडियोस के बाद उन्हें और अटेंशन मिल गई। क्या स्टीव ये सब अटेंशन और पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं? इसके जवाब के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर स्टीव हफ कौन है और इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। दोस्तों स्टीव हफ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और स्पिरिट कम्युनिकेटर हैं, स्पिरिट यानी आत्मा, और इनका दावा है कि वो उनसे बातें करते हैं। ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं है और जगह जगह जाकर हॉन्टेड चीजों पर काम नहीं करते। ये कम्युनिकेशन का काम अपने घर से ही करते हैं और अपने खुद के बनाए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। इनका दावा है कि जो ये करते हैं वो 100% रियल है। इनके 1200 वीडियोस जो इन्होंने पिछले 10 सालों में बनाए हैं वो सब रियल हैं। पहले ये सेलिब्रिटीज के साथ अपने सेशन नहीं करते थे, लेकिन 2019 से करने लग गए। ये पहले कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो शो पर आते थे, जहाँ पैरानॉर्मल या मिस्ट्रीज एक्टिविटीज पर चर्चा होती थी। हमारे कोस्ट टू कोस्ट AM वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टीव हफ टीवी पर नहीं आना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि सारे पैरानॉर्मल शोज फेक होते हैं और वो जो अपने वीडियोस बनाते हैं वो सारे 100% रियल हैं।
जिस डिवाइस के जरिए ये बात करते हैं इसको कहते हैं एस्ट्रल डोरवे, और स्टीव हफ ने ये खुद बनाया है। उन्होंने कहा है कि ये डिवाइस कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यूज करते हैं और उनका ये काम टीवी पर भी प्रूव हो चुका है। इनका काम मोस्टली सोशल मीडिया के जरिए ही चलता है और सुशांत ITC के बाद इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। स्टीव का ये डिवाइस कैसे काम करता है ये भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आत्मा जो होती है उसका कोई शरीर नहीं होता, मतलब कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती जिससे वो बात कर सके। वो बस एनर्जी ही होती है। उसी एनर्जी के जरिए वो एस्ट्रल डोरवे से साउंड एनर्जी में बात करते हैं। ये डिवाइस एक ऑडियो प्रोवाइड करती है आत्मा को, जिससे आत्मा को बोलने का साधन मिल जाता है। सिंपल भाषा में डिवाइस को एक आवाज देनी पड़ती है। वो वर्बल आवाज को स्पिरिट चेंज करके आंसर करती है, इसलिए वो ऑडियो क्लियर नहीं होता। जैसे सुशांत की बोली गई ऑडियो फाइल्स अगर हम इस मशीन में डाल देंगे तो जो आत्मा है वो सुशांत की ऑडियो फाइल्स को मैनिपुलेट करके यानी आवाज के शब्द बदलकर जवाब देगी। स्टीव के अनुसार उनकी ये टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है और जो जितने भी ITC रिसर्चर्स हैं वो सब उन्हीं के बनाए डिवाइसेस यूज करते हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये डिवाइस उन ऑडियो फाइल्स को खुद ही एडिट करके स्पीकर से आवाज निकालता हो और क्लियर ना होने के कारण इंसान वही समझता है जो वो सुनना चाहता है। दूसरी तरफ वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते भी थे और अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ सामने आता। स्टीव की एक मोबाइल ऐप भी है जिसके मिक्स्ड रिव्यूज हैं। कई लोग कहते हैं ये काम करती है और कई लोग कहते हैं ये फेक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑडियो फाइल्स पहले से इंस्टॉल्ड है और उनको एडिट करके ये ऐप सुना देती है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इस पजल में सबसे इम्पोर्टेंट पीस जो है वो है उस व्यक्ति का विश्वास और कंसंट्रेशन जो कनेक्ट होना चाहता है। ये एस्ट्रल डोरवे डिवाइस बिल्कुल बेकार है बिना अच्छे ऑपरेटर के। ये मशीन की तरह काम नहीं करता। दोनों साइड से कनेक्शन होना जरूरी है इसकी वर्किंग के लिए। इसमें बहुत क्रिस्टल्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि माना जाता है कि क्रिस्टल्स में काफी एनर्जी होती है जिससे कनेक्शन बनने में फायदा होता है। अब जो सवाल था कि सुशांत ने इंग्लिश में बात क्यों की। दोस्तों, स्पिरिट की दुनिया में कोई भाषा नहीं है, तो स्पिरिट का जिस ऑपरेटर के साथ संपर्क बना होगा वो उसी भाषा में बात करेगी। इसके बाकी एग्जांपल्स आपको स्टीव हफ की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब आखिरी सवाल ये आता है कि वीडियो में सच में सुशांत थे या व्यूज, अटेंशन और पब्लिसिटी पाने के लिए स्टीव ने ये सब फेक करा। ये सब आप व्यूअर्स पर निर्भर करता है कि आप इसमें मानते हैं कि नहीं, क्योंकि इन सब का कोई जेन्युइन प्रूफ नहीं है, बस विश्वास की बात है। तो आपको क्या लगता है, ये असली था या नकली, हमें कमेंट में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में स्टीव हफ की वेबसाइट का लिंक है जिसमें उन्होंने हर छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट करें। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।